हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको बताऊंगी कि खजूर बादाम का दूध किस तरीके से बनाया जाए। आप सभी जानते होंगे कि जो खजूर होते हैं उसमें बहुत सारे विटामिन्स होते हैं, कैल्शियम होता है, आयरन होता है, फाइबर होता है, पोटेशियम, मैग्नीशियम, और जो दूध होता है उसमें भी कैल्शियम होता है। तो ये जो सारी चीजें हैं जब आपस में मिलती हैं, जैसे कि बादाम है, खजूर है, मिल्क है, तो ये बहुत ही ज्यादा पौष्टिक आहार आप इसे कह सकते हैं, जो बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, बूढ़ों के लिए, सभी के लिए बहुत अच्छा होता है। बाहर से सप्लीमेंट लेने से अच्छा आप इस तरीके से बच्चों को हेल्दी चीजें खिलाएं ताकि उनके लिए बहुत ही ज्यादा अच्छी रहें। मैं हूं सीके। अगर वीडियो पसंद आई तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। इसे बनाने के लिए आपको बादाम और खजूर दोनों को भिगोना पड़ेगा कम से कम 7 या 8 घंटे। अगर आप सुबह में खाने वाले हैं, पीने वाले हैं, तो आप रात को भिगो दीजिए, और अगर रात को पीने वाले हैं तो दिन में भिगो दीजिए। अगर आपके पास टाइम कम है तो आप इसे 1-1.5 घंटे के लिए भिगो सकते हैं, वरना आप ज्यादा टाइम के लिए अगर भिगोते हैं तो इसकी जो न्यूट्रिशनल वैल्यूज हैं वो बढ़ जाती हैं। मैं यहाँ पे दोनों को अलग अलग भिगो रही हूँ। यहाँ पे करीब 7-8 बादाम है। अब जो खजूर है आप इसे डायरेक्टली इसी तरीके से ना भिगोएं, इसके अंदर एक कट लगा दें छुरी से, ताकि जो पानी है अंदर तक अच्छे तरीके से रच जाए। अगर आप कट नहीं लगाते हैं तो थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है भीगने में, इसलिए मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि सारे खजूरों को इस तरीके से कट लगा लीजिए, ताकि बाद में आसानी से खुल भी जाए और जो इसका बीज है वो भी आप आसानी से निकाल सकें। ये देखिए, यहाँ पे मैंने सारे खजूरों को कट लगा दिया है। अब इसे ढककर इसी तरीके से रख देंगे कम से कम 7-8 घंटे के लिए। और जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, आप चाहें तो थोड़े कम टाइम के लिए भी कर सकते हैं, लेकिन अगर ज्यादा करेंगे तो इसके ज्यादा फायदे होंगे। इसके अलावा हम इसमें दूध और थोड़ा सा घी यूज करने वाले हैं। ये देखिए, 7-8 घंटे के बाद ही कुछ इस तरीके से दिख रहा है। बादाम के जो छिलके हैं वो हमें निकाल देने हैं, और जो खजूर है उसके बीज और एक ऊपर थोड़ा सा कड़क वाला उसका पार्ट होता है, जिस तरफ से उसकी डंडी होती होगी, वो भी हमें निकाल देना है। नॉर्मली कुछ लोग जब इसका दूध बनाते हैं तो पल्प नहीं यूज करते बल्कि जूस यूज करते हैं, लेकिन मैं ऐसा नहीं करने वाली, क्योंकि जो फाइबर है वो हमें इसके पल्प से ही मिलता है। तो हम कोई भी चीज फेंकने नहीं वाले हैं यहाँ पे। ऐसा नहीं है कि जूस निकाल दिया और पल्प जो है उसे फेंक दिया। बीज हाँ, डेफिनेटली हम निकाल देंगे। छिलके बादाम के मैंने निकाल दिए हैं, और जो यहाँ पे ऊपर एक टोपी सी होती है खजूर की, वो भी मैं निकाल दूंगी, लेकिन बाकी सारी चीजें हम यूज करने वाले हैं। इस तरीके से सारे बीज निकालने के बाद एक मिक्सर ग्राइंडर में मैं इसे पीस लूंगी, और पीसने के बाद हम इसे दूध में किस तरीके से इस्तेमाल करने वाले हैं वो मैं आपको बताने वाली हूँ। अगर आप चाहें तो इसी प्रोसेस से सिर्फ बादाम का दूध या फिर सिर्फ खजूर का दूध भी बना सकते हैं, लेकिन अगर आप दोनों की मिक्सचर वाला बनाते हैं तो ज्यादा अच्छा रहता है। सर्दियों में खासकर इसके बहुत ही ज्यादा फायदे होते हैं। ये देखिए, मैंने इस तरीके से पीस लिया है। ये फिलहाल दरदरा है। आप चाहें तो और ज्यादा भी इसे बारीक कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। दरदरा पसंद है तो वैसे रख सकते हैं। कुछ बच्चों को मुंह में पीसे जाते हैं दूध पीते वक्त, उन्हें पसंद नहीं आते। अगर ऐसा ही है आपके घर पे प्रॉब्लम, तो आप इसे ज्यादा बारीक पीस लीजिए, ताकि उन्हें पता ही ना चले कि आपने दूध में ये सारी चीजें डाली हुई हैं। चलिए, ये तो बनके रेडी है। अब हमें क्या करना है, एक पतीले में 1 चम्मच घी डालना है। कोई भी पैन आप यूज कर सकते हैं जिसमें आपको दूध गर्म करना है। घी वैसे तो ऑप्शनल है, मैं इसलिए डाल रही हूँ क्योंकि इसमें मैं 1 चम्मच बेसन भूनने वाली हूँ। अब बेसन क्यों डाल रहे हैं, 2 कारण है। एक तो दूध जो है वो गाढ़ा हो जाता है, यानी कि देखने में बहुत ही गाढ़ा सा कोई जूस लगता है, और दूसरी बात, बेसन से इसका फ्लेवर भी बढ़ जाता है, लेकिन ये ऑप्शनल है। अगर आप घी में इस तरीके से बेसन भूनकर फिर दूध नहीं डालना चाहते हैं, तो डायरेक्टली दूध को बॉइल करने के बाद आपने जो वो पेस्ट बना के रखा है खजूर और बादाम का, वो डाल सकते हैं। लेकिन आपको गाढ़ी कंसिस्टेंसी चाहिए, जैसे कस्टर्ड की होती है। जैसे स्टार्ट ऑफ द वीडियो आपने देखा था कि मेरा दूध काफी गाढ़ा था, तो आप ये बेसन वाला स्टेप जरूर कीजिए। फ्लेवर तो बढ़ता ही है, साथ में बहुत ही बढ़िया देखने में लगता है। बेसन को ज्यादा नहीं, मैंने 2 मिनट के लिए भून लिया था। अब इसे भुने हुए बेसन में मैंने वो जो मिक्सर बना के रखा है उसे डाल देंगे। इसे भी थोड़ा 1-2 मिनट के लिए भून लेते हैं। इससे फ्लेवर भी बढ़ जाता है, टेस्ट भी अच्छा आता है, थोड़ा सा गाढ़ा लगने लगता है। यहाँ पे बहुत ड्राई लग रहा है, इसलिए मैं थोड़ा सा और इसमें घी ऐड कर दूंगी, और इसे ज्यादा नहीं, सिर्फ 2 या 3 मिनट के लिए भून लूंगी, और फिर इसके अंदर ऐड करेंगे दूध। कुछ लोग दूध को ज्यादा काढ़ते हैं, मतलब ज्यादा देर के लिए दूध को पकाते हैं और फिर उसे गाढ़ा करने की कोशिश करते हैं। तो अगर आप वो स्टेप आप स्किप करना चाहते हैं, ज्यादा देर के लिए दूध को नहीं उबालना चाहते हैं, फिर भी आपको दूध जो है वो थिक कंसिस्टेंसी में चाहिए, तो आई थिंक बेसन वाला जो आइडिया है ये जरूर अपनाएं। वैसे भी आप नॉर्मली भी अगर दूध पीते हैं सर्दी के मौसम में, तो अगर घी के अंदर बेसन को भूनकर उसके ऊपर अगर आप दूध डालते हैं तो बहुत ही गाढ़ा बनता है। चलिए, 2-3 मिनट हो चुके हैं।
आप पूरा का पूरा दूध एक साथ ना डालें, वरना ये जो लम्स हैं वो नहीं निकल पाएंगे। मैंने थोड़ा सा दूध डाला, उसे अच्छे तरीके से मिक्स किया, कोशिश की कि सारी गांठें सारी लम्स पहले निकल जाएं, और जब ये निकलेंगी तब मैं बाकी का दूध इसके अंदर ऐड करूंगी। अगर आपने एक साथ दूध डाल दिया तो ये लम्स नहीं निकल पाएंगे। ये देखिए, इस तरीके से प्रेस करते हुए सारे लम्स निकल गए हैं। अब मैं ऊपर से बाकी का दूध ऐड करूंगी, और दूध डालने के बाद हम इसे 2-3 बॉईल देंगे और उसके बाद गर्मा गर्म इसे सर्व करेंगे। यहाँ पे थोड़ी सी हम शक्कर भी डालेंगे स्वाद अनुसार। वैसे तो मिठास होती है खजूरों में, लेकिन इतनी ज्यादा नहीं होती, इसलिए आपको हल्की सी शक्कर मिठास के लिए डालनी पड़ेगी। लेकिन अगर आप मीठा नहीं खाते, नहीं पसंद करते, शुगर है या ऐसी कोई भी प्रॉब्लम है, तो बिना मीठा डाले भी ये दूध जो है एंजॉय कर सकते हैं। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही टेस्टी, बादाम के सारे गुण, खजूरों के गुण, दूध के सारे जितने भी फायदे हैं वो सारे इस एक दूध में आपको लगेंगे। आपको शायद वीडियो लंबी लग रही होगी, टफ लग रहा होगा, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं। आप चाहें तो एक हफ्ते का खजूर और बादाम का पेस्ट बनाकर फ्रिज में स्टोर करके भी रख सकते हैं और उसे डेली डेली यूज कर सकते हैं। प्रोसेस ज्यादा लंबा लग रहा है तो बेसन को भूनने वाला स्टेप जो है आप स्किप कर दीजिए, सिर्फ इसका पेस्ट बना के रखिए। और बाद में तो बहुत ही सिंपल है, बस दूध में डालना है, दूध को उबालना है, शक्कर डालनी है, और आपका ये बादाम खजूर वाला मिल्क जो है वो है रेडी। तो इसी तरीके से आप भी जरूर बनाएं, बच्चों बड़ों सबको पिलाएं। देखने में भी बहुत बढ़िया और पीने में भी बहुत ही टेस्टी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पे पहली बार हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए ताकि फ्यूचर में आप मेरी कोई भी वीडियो मिस ना करें। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। यू हैव अ नाइस डे। बाय बाय।